आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलसिला सफ़र का YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं जाने वाला हूं कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में बना हुआ है और इसे सातवां अजूबा भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग और कुतुब मीनार का एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग, तैयार हो चुके हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ, मेरा दोस्त अभी तैयार हो रहा है, तो देखें क्या कर रहा है वो। तो ये आ गया बाहर कपिल, तो चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं टिकट, तो आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही भीड़ लगी हुई है टिकट में, ये देखिए दोस्तों। ये हम लोगों को टिकट, ये देखिए दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर लोग आए हुए हैं बैग को जमा करने, इसका चार्ज 2 रुपये है, ये देखिए। सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने ही सुंदर सुंदर पार्क बने हुए हैं और बीच में ये रोड जाती हुई कुतुब मीनार की ओर। तो चलते हैं हम लोग, दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। हमारे पीछे देख रहे हैं कुतुब मीनार, ये देखिए दोस्तों पीछे बनी हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप हमारे सामने कितना ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और आप जब यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैप मिल जाएगा, जहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो देख रहे हैं आप हमारे सामने कि कौन सी चीज़ कहां पर बनी हुई है, ये देखिए दोस्तों। लाल पत्थर में नक्काशी की गई है यहां पर। चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं आप लोगों को कुतुब मीनार का एक सुंदर सा दृश्य। Thank you.
अभी हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार के पास में। तो आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो दोस्तों इसके बगल में भी एक अच्छा सा पार्क बना हुआ है और यहाँ पर कई राजशाही लोगों की कब्र बनी हुई है। वहाँ का भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये देखिए आप हमारे पीछे चलते हैं, पास में दिखाते हैं आप लोगों को इसमें कितनी ही अच्छी नक्काशी की हुई है। ये देखिए दोस्तों, चलते हैं और आगे दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो बने रहिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये देखिए टीला जैसा बना हुआ है, दिखाइए उधर, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो नक्काशी है दीवारों पे वो की गई है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं कुतुब मीनार। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो कुतुब मीनार का ऊपर से दृश्य कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए आप हमारे सामने, यहाँ पर भी पार्क बने हुए हैं। ये है कुतुब मीनार का एक सुंदर व्यू। यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में और कुतुब मीनार का दीदार कर सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वो सब दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पौधों में कितनी सुंदर सुंदर आकृति निखारी गई हैं ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए कुछ किलेनुमा ये बना हुआ था दोस्तों, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को।
दोस्तों बताते हैं, पहले ये गांव हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ पे कई स्तंभ बने हुए हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर सा व्यू हो रखा है यहाँ का। तो आप हमारे सामने देख रहे हैं कुतुब मीनार। इसकी दोस्तों लंबाई जो है वो 73 मीटर है और इसे बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। आप हमारे सामने देख रहे हैं कुतुब मीनार। ये देखिए बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए कुछ इमारतें बनी हुई हैं जिन्हें पूर्ण नहीं करा पाए। यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर क्यारियाँ बनी हुई हैं किनारे किनारे, और बीच में रोड बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के वक्त यहाँ पर लाइटिंग की बहुत सी, यहाँ पर शाम को लाइटिंग जब रहती है तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पर। दोस्तों आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये एक दरवाज़ा बना हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों आप हमारे सामने, ये है इल्तुतमिश का मकबरा। तो दोस्तों आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये 1235 ईस्वी को बनाया गया था। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मकबरे के अंदर, दिखाते हैं दोस्तों किस तरह का बना हुआ है इल्तुतमिश का मकबरा। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इस मकबरे की। इसे कब्र भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, यहाँ पर 4 दरवाजे बने हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप हमारे सामने कब्र देख रहे हैं, इसकी जो रियल कब्र है वो ज़मीन के अंदर बनी हुई है दोस्तों। वहाँ पर जाना सख्त मना है दोस्तों, तो वहाँ का मैं आप लोगों को तो व्यू नहीं दिखा सकता। अभी आप लोगों ने देखा इल्तुतमिश का मकबरा, तो और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक मीनार यहाँ पर और बन रही थी जो कि उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था, तो अभी वो उतनी ही बनी हुई है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग पे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस ब्लॉग को।